बड़ी खबर इस बीच देहरादून से मिल रही है। बताया जा रहा है कि देहरादून से भी अब विस्तारा की उड़ान भरना शुरू होगी। तो 29 मार्च से दून दिल्ली के बीच ये हवाई सेवा शुरू होगी, जहां पर डेली दून से दिल्ली और दिल्ली से दून के लिए ये फ्लाइट होने वाली है। तो 2499 रुपए इकोनॉमिक क्लास का किराया होगा, तो वहीं 12299 रुपए बिजनेस क्लास का किराया होने वाला है। तो हवाई सेवा के लिए बुकिंग भी यहां पर शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दी देहरादून से, जहां पर अब विस्तारा की उड़ानें भी देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून के लिए उड़ान भरेगी, जहां पर 29 मार्च से बताया जा रहा है कि दून और दिल्ली के बीच जो हवाई सेवा है उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसमें आपको बता दें कि डेली ये जो फ्लाइट्स हैं वो दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आया करेंगी। और किराए की अगर बात करें तो इकोनॉमी क्लास का जो किराया है वो 2499 होगा, तो बिजनेस क्लास का किराया होगा 12299 रुपए। तो बुकिंग की जो शुरुआत है यहाँ पर वो हो चुकी है 29 मार्च से। हालांकि दून दिल्ली के बीच की हवाई सेवा जो है वो शुरू होगी। तो दिल्ली से देहरादून अगर आपको जल्दी कम समय में यहाँ पर तय करना है, तो ऐसे में विस्तारा भी जो एयरलाइंस है उसका एक और ऑप्शन यहाँ पर जुड़ गया है। पंकज पवार हमारे साथ देहरादून से, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। पंकज, एक यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है 29 मार्च से हालांकि यहाँ पर ये सेवा जो है शुरू होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और एक तरीके से एक और ऑप्शन खुला है जिससे यात्री जो है वो दिल्ली तक जा सकेंगे। इससे पहले एयर इंडिया या फिर इंडिगो फ्लाइट्स को ही ज्यादा यहाँ पर मौका मिलता था, लेकिन अब एयर विस्तारा यहाँ पर आ रही है और वो 29 तारीख से जब अपनी वो शुरू करेगी, फ्लाइट शुरू करेंगी, उससे पहले उन्होंने बुकिंग शुरू कर दी है। और अपने आप में ये फायदा जो तमाम यात्री हैं उनको होगा, वो उनके लिए इस बात की चॉइस करना होगा कि वो किससे जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन पंकज जी, ये बताइए जो बुकिंग की जो शुरुआत है वो कब से हो गई है? देखिए, बुकिंग की शुरुआत तो उनकी जो विस्तारा, एयर विस्तारा है, उनकी ऑनलाइन जो साइट है उसमें हो चुकी है, और वो लगभग एक महीने पहले से ही इसको, यानी 29 जनवरी से ही वो इसको शुरू कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने इसको पूरी तरीके से खोल दिया है। और अब 29 तारीख तक, फरवरी तक की जो एडवांस बुकिंग है वो पंकज जी, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, यहाँ पर अगर सेवा की बात करें, बुकिंग सेवा यहाँ पर शुरू हो गई है, तो क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर यात्रियों का अच्छा देखने को मिल रहा है विस्तारा एयरलाइंस के लिए? रिस्पॉन्स अच्छा है, इसीलिए नई एयरलाइंस उत्तराखंड में आ रही हैं। दिल्ली टू देहरादून और देहरादून टू दिल्ली, और उसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनको उनका अगर वहां पर लोगों का आना जाना देखें, इसीलिए एयर विस्तारा जैसी जो कंपनियां हैं वो देहरादून भी आ रही है। वरना शुरुआती दौर के हालात तो यहाँ ये थे कि अगर एयर इंडिया भी अपनी केवल दो फ्लाइट चलाता था, तो उसकी वजह से आज की डेट में कई एयरलाइंस यहाँ पे हैं, और जिससे जो आम जनता है उनकी जो कनेक्टिविटी है ऋतु जी, वो बिल्कुल सुविधा मिल पाए और ऑप्शंस बेहतर मिल पाए, ये विकल्प अब लोगों के पास होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।